इस नवनगर पंचायत में हमारे यहाँ जो भी अभिभावक बैठे हैं इस पंचायत से मेरे भाई बैठे हैं मंच पर उपस्थित हैं इस पंचायत के मुखिया बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव संजय मंडल जी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई अभिमन्यु कुशवाहा जी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई रंजन पटेल जी बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुभाष गौतम जी बहुजन समाज पार्टी के सचिव कृपा शंकर पटेल जी बहुजन समाज पार्टी के जिला के प्रभारी जयराम राम जी लक्ष्मण कुशवाहा जी मानसी भारती जी कमलेश राव जी शिव बहादुर पटेल जी और तमाम जेपी यादव जी आप सभी को मेरा जय भीम है। आज देश में 73 साल हो गए हमारा संविधान को लागू हुए जो बाबा साहब ने हमारे बहुजन समाज को आगे लाने के लिए बहुजन समाज को समृद्ध बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए बहुजन समाज को ताकतवर बनाने के लिए जो संविधान लागू किए थे 73 साल हो गए। देश में कांग्रेस ने भी राज किया काफी सालों तक कांग्रेस ने भी राज किया और वर्तमान की सरकारों ने भी राज किया भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राज कर रहे हैं वर्तमान इनको भी आपने देखा। कहने का मतलब है कि आपने दोनों के राज को देखा है एक तरफ कांग्रेस जो अभी इंडिया गठबंधन बनाकर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए बनाकर चल रही है दोनों ही कहते हैं कि या तो आप मेरे तरफ रहो और एक कहता है कि या तो मेरे तरफ रहो तीसरा कोई दल नहीं रहेगा। हमारे संविधान में भारत के संविधान में जो बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिया उस संविधान में दो दलीय शासन का कहीं रास्ता नहीं दिया था। उन्होंने सबको खुला छोड़ा था जानते थे कि बहुजन समाज को कभी यह सामंतवादी व्यवस्था आगे नहीं बढ़ने देगा इसलिए उन्होंने सबको आगे चलने का रास्ता दिया था कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं बहुजन समाज के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा किया। लेकिन ये मनुवादी सामंतवादी स्मृति का जो विचारधारा के जो लोग हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों गठबंधन हैं ये दोनों ही बहुजन विरोधी हैं ये दोनों ही बहुजनों का हक मारकर अपना उल्लू सीधा करने वाली सरकारें हैं इनको आप ध्यान रखिए। ये कभी भी बहुजनों का मान और सम्मान बहुजनों को नहीं देना चाहती है ये ऐसी सरकारें हैं जो हमेशा हमारा मान और सम्मान छीनने का काम किया है हमारे बहुजन समाज का मान और सम्मान छीनने का काम किया। इसलिए हम कहने आए हैं आपसे कि अभी जो वर्तमान की जो सरकार है ये वर्तमान की सरकार कह रही है कि इस बार अगर सत्ता में आए तो ये संविधान पुराना हो गया है इस संविधान को हम बदल देंगे। तो हम अपने बहुजन समाज के गांव गांव में लोगों से पूछने जा रहे हैं पूछ रहे हैं उनको जगाने जा रहे हैं झकझोरने जा रहे हैं। हम मानव साहब के अनुयायी हैं हम बाबा भीम को मानने वाले लोग हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे बाबा साहब का जो अधूरा सपना था वो टूट जाए। हम अपने बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं हम अपने माधव साहब का मिशन पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए हम गांव गांव घूमने का काम कर रहे हैं आपके बीच में आए हैं कि आप अपना हाथ दें अपना आशीर्वाद दें आप अपनी ताकत लगाएं अपने हाथी के साथ और ये जो संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं
इनको बदल कर हम अपनी सरकार बनाने और अपने संविधान को बचाने। हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये वर्तमान की जो सरकार है ये हमारा देश का कोना कोना बेच रही है, ये अडानी और अंबानी का नाम करना चाह रही है। रेलवे स्टेशन हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हर चीज देश में बेच दिया गया और बेचने का जो बचा है उसको बेचा जा रहा है। हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, देख रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से अगर हम बैठे रहे तो हम बैठे रह जाएंगे और फिर से शूद्र हो जाएंगे, फिर से शूद्र हो जाएंगे। हमारे गलियों में फिर से घंटी टंगेगी, किसी के पिछवाड़े झाड़ू टंगेगी। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए तो दिन दूर नहीं है कि हमारे गले में घंटी टंगेगी। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी फिर से शासन करने लगी तो संविधान हमारा बाबा साहब का नहीं, अभी भी मोदी और शाह का संविधान चल रहा है। हमारे लोगों को तंग और तबाह किया जा रहा है, जो बाबा साहब ने जो आरक्षण का रास्ता दिया उसको बंद किया जा रहा है, नौकरियों से आरक्षण लगभग खत्म कर दी गई है। इसलिए हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, अरे हम हिंदू तो पहले भी थे ना, हिंदू रही है पहले, क्या रही जाएगा, हिंदू रही जाए ना, अभी नया हिंदू में हमें कई जन्म मिले। अब हिंदू मुस्लिम कितना लड़ेंगे, क्या लड़ाई लड़ेंगे। अरे दोनों हम लोग भाई भाई रहे हैं। ये बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की थी और अब लोग आते हैं कहने कि हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे भारत में रहने वाले जो लोग हैं भाई भाई हैं, इसको धर्म के नाम पर बांटने का काम मत करो। हम सारे मिलकर भारत में बसे हैं और बस करके भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत के बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कहना चाहते हैं आप कि जो बाबा साहब ने कहा था वो ये इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन नहीं करना चाहते। बाबा साहब ने हम सबों के लिए सबसे पहले नारा दिया था, ये मेरे समाज के लोगों, ये मेरे बहुजन वाले, सबसे पहले शिक्षित बनना, कह रहे ना, शिक्षा ही उस व्यक्ति का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और बाकी सब बेकार देगा। तो हम बहुजन समाज के लोगों के लिए जो सरकारी स्कूल है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए, उन सरकारी विद्यालयों का आज क्या हाल है, कौन पढ़ाता है वो विद्यालयों में, क्या शिक्षक है वहां, शिक्षा की व्यवस्था है वहां, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है वहां पढ़ाने की व्यवस्था है, केवल सर्टिफिकेट मिल रहा है, डिग्रियां मिल रही है, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे। तो बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब का जो सपना था, उन सपनों का भारत कैसे बनेगा। हमारे बच्चों को, बच्चियों को नौकरियां नहीं मिल रही है क्योंकि मोदी ने तो सब कुछ बेच दिया। रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरियां लगती थी, सबसे ज्यादा हमारे लोग रेलवे में नौकरी करते थे, अब नौकरी नहीं। अब भारतीय सेना में की जब बहाली हो रही है तो वहां आदमी भी आ गया, वहां भी सेना में हमारी बहाली करते। तो कहना चाह रहे हैं आज कि अगर हम लोग मजबूती से अपनी ताकत अपने हाथी के पीछे और अपनी आदरणीय बहन मायावती के पीछे नहीं लगाएंगे तो देश में संविधान बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी और अमित शाह हम आपको आए हैं संविधान के, समझिए, संभलिए, समय है। 2024 का चुनाव आने वाला है, जो बाबा साहब ने हमें वोट डालने का जो अधिकार दिया है एक वोट का, कि चाहे आप महलों में रहो या झोपड़ियों में रहो, लेकिन एक वोट ही सबको डाल सकते। तो उस अपने एक वोट से ये जो संविधान बदलने का जो सोच रखते हैं उनकी सरकार को बदलकर हम अपने दिल्ली पर अपनी पहुंच की सरकार बना दें, तभी हमारा मान और सम्मान बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। आपको समझना होगा, याद अगर विधवा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, आय प्रमाण पत्र लेने जाए, जाति प्रमाण पत्र लेने जाए, तो बगल में आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक में जाए तो बिना घूस ले कुछ काम हो सकेगा।
है, अगर पीएम आवास योजना से घर लेने को हुई तो रेट फिक्स हुआ कि 30,000 मिले तो बात हुई ना बता रहा। वृद्धा पेंशन लेने के बाद तो 40 साल में वृद्धा पेंशन मिल सकेगा, लेकिन हाथा पैसा देव तो बिल बता 17 साल लगेगा मर जाए सर। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर इन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं तो अपनी पहुंच की सरकार की जरूरत। अस्पतालों के हालात जहां डॉक्टर नहीं है दवाइयां नहीं है उसको बदलना चाहते हैं तो सरकार जरूरी है कि हमारी पहुंच के बने और तभी हमारा अलग अस्पताल जो बन रहे हैं प्राइवेट अस्पताल बंद होंगे और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था होगी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बदले तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सभी को अपने हाथी के पीछे ताकत लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी अपने बहुजन समाज की ताकत को। हम जातियों में बटे रहेंगे हमारी ताकत बेकार होते रहेगी और हम इन जो सांपनाथ और नागनाथ का जो दोनों है इसी को चुनते रहे। आजादी के 76 साल हो गए अभी तक तो हम लोग चुनते रहे। क्या हुआ हमारे घरों का, क्या हुआ हमारे झोपड़ियों का, क्या हुआ हमारे बच्चों का रोजगार का? हम आज भी फटेहाल जीवन में हैं। कोई कहता है आएंगे 3 दिन में जमीन देंगे, कहां गया वो 3 दिन में जमीन, कहां गया वो सरकारी नौकरी? तो ये सब हमसे छलावा करते हैं, हमको ठगते हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, बाबा साहब के प्रति आपके मन में अगर है श्रद्धा तो श्रद्धा की संकल्प लीजिए। माननीय काशीराम साहब को मिशन को अगर पूरा करना चाहते हैं तो उस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी ताकत जो भी ताकत है जो धन बलजन है उसको लगा देनी होगी बहुजन समाज पार्टी के पीछे और अपने बहन जी के पीछे, तभी हमारा मान और सम्मान बचेगा, नहीं तो हमारा मान और सम्मान नहीं बचेगा। आप याद कीजिए वो दिन जब राज्यसभा में हमारे बहना ने बिना कुछ विचारे हमारे समाज के लिए जिस समाज की बात को राज्यसभा में नहीं सुनी जा रही थी, एक हथरस की बेटी थी उसके साथ रेप हुआ था उसकी हत्या हो गई उसकी आवाज को वहां सदन में नहीं सुना जा रहा था कि हम नहीं सुनेंगे उस आवाज को। हमारी बहन जी ने उसी समय इस्तीफा देने का काम किया था कि मैं जिस समाज से आती हूं और उस समाज की बात अगर सदन में नहीं सुन सकते हो तो मैं ऐसे सदन में नहीं रहना चाहती हूं और बाहर निकल गई थी इस्तीफा देकर के। आप उस दिन को याद करिए। अगर उस बहना का मान और सम्मान की बात है या आपके मान और सम्मान की बात है यह आपको सोचना होगा कि वो बहन जी का मान सम्मान था या हम पूरे बहुजन समाज के मान और सम्मान की बात थी। अगर हम बहुजन समाज के मान सम्मान की बात को अगर आप याद करें तो कुर्सी प्रधानमंत्री की कुर्सी देकर के हम अपना मान सम्मान वापस ले सकते हैं और अपने बहन जी को वहां बैठाकर हम राज कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि अगर मजबूती के साथ हम सभी बहुजन समाज के लोग खड़े हो जाए तो बक्सर में लोग कहते हैं कि बाबू और बाबा का किला है, बाबू और बाबा का किला है बक्सर, कोई नहीं हिला पाया है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बार आप सभी अपनी ताकत को लगा दें और ढा दे बाबू और बाबा का किला और बना दे अपने बहुजन का किला, तभी हमारा मान और सम्मान बचेगा, तभी हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। अगर चाहते हैं कि हमारा पेंशन वृद्धा पेंशन हो विधवा पेंशन हो घर बैठ मिले, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले हमारे बच्चियों को रोजगार मिले हमें बढ़िया शिक्षा मिले बढ़िया अस्पताल मिले तो एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाइए और निश्चित रूप से अपनी आदरणीय पहुंच जी पर विश्वास करके आप इतना जरूर समझ लीजिए कि जिस दिन वो गद्दी पर बैठेंगी संविधान उसी तरह सुरक्षित होगा और उसी दिन पूरा संविधान भारत में लागू होगा और हम बहुजन समाज का मान सम्मान हमारे घर पहुंचेगा और हमारा तकदीर उसी दिन से लिखा जाना शुरू होगा। ये सांपनाथ और नागनाथ को ये जो कांग्रेस और भाजपा के जो लोग हैं इन दोनों के गठबंधनों को एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है इनके फनों को अपने हाथी से कुचलिए और कुचलकर
अपना रास्ता बनाइए और अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाकर निश्चित कीजिए कि हमारी बहन जी सत्ता में बैठेंगे तभी हमारा मान और सम्मान वापिस आ सकता है। तो क्या हम सभी संकल्प लेंगे कि चाहे बक्सर वहां जी के संकल्प लेंगे सब लोग ना, तो संकल्प लीजिए कि इस बार चाहे जो हो जाए अपनी ताकत लगा देंगे अपनी बहन जी के पीछे और बदल देंगे संविधान बदलने वालों को और अपनी सरकार बना लेंगे। बस यही कहकर के आप सब उसे विदा लेंगे। जय भीम, आप सब जिंदाबाद। धन्यवाद।